हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में डीसी जनरेटर का चैप्टर पूरा कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपने डीसी जनरेटर का चैप्टर नहीं किया हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डीसी जनरेटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडली सामान्यतः किसकी होती है? फ्रेंड्स, इसमें पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर की जो क्षेत्र वाइंडिंग बनती है वो किसकी बनती है। फ्रेंड्स, तो डीसी जनरेटर की जो क्षेत्र वाइंडिंग बनती है वो फ्रेंड्स किसकी बनती है? कॉपर की बनती है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। डीसी जनरेटर की जो क्षेत्र वाइंडिंग किसकी बनाते हैं? अभ्रक, कॉपर, ढलवा लोहा और कार्बन। तो फ्रेंड्स किसकी बनाते हैं? कॉपर की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाह्य परिपथ को धारा किसके माध्यम से दी जाती है? फ्रेंड्स किसके माध्यम से देते हैं? तो वो हम देते हैं किसके माध्यम से फ्रेंड्स? वो फ्रेंड्स हम देते हैं दिक परिवर्तक के माध्यम से, जिसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। फ्रेंड्स, स्लिप रिंग जो होती है, स्लिप रिंग किसमें लगती है? फ्रेंड्स, एसी जो जनरेटर होता है उसमें क्या लगती है? फ्रेंड्स, स्लिप रिंग लगती है। तो डीसी जनरेटर में बाहर जो धारा निकालने काम करती है सर्किट से, आर्मेचर से धारा जो बाहर निकालने काम करती है वो क्या होती है? युक्ति। वो होती है फ्रेंड्स दिक परिवर्तक होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? डीसी जनरेटर में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल यानी कि उत्पन्न जो ईएमएफ है किसके समानुपाती होता है? तो फ्रेंड्स, इसका मैं सूत्र आपको बताया था, ई बराबर फाइव जेड एन पी बराबर में 60, ठीक है। ई बराबर फाइव जेड एन पी अपॉन में 60 इंटू में ए। तो फ्रेंड्स, जो उत्पन्न जो ईएमएफ होता है उसका क्या होता है? फ्रेंड्स, ई बराबर फाइव जेड एन पी अपॉन में 60 इंटू में ए। तो फ्रेंड्स, जो ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो किसके इसके समानुपाती होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं, फाइव जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के भी समानुपाती होता है, ठीक है। तो हमारे को ऑप्शन दिया जाता है फ्लक्स ऑब्लिक पोल, तो यहाँ पर पोल के भी समानुपाती होता है। उसके अलावा जो इसमें ऑप्शन सी देखा है, पोल की संख्या के भी समानुपाती होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी देखा है, आर्मेचर की गति के यानी कि आर्मेचर घूर्णन गति के भी क्या होते हैं फ्रेंड्स? समानुपाती होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम क्षमता वाली जो डीसी मशीन होती है उसकी जो योग है, यानी कि फ्रेंड्स योग का मतलब क्या होता है? बॉडी। योग जो होती है यानी कि बॉडी जो होती है किसकी बनाते हैं, ठीक है। तो कम क्षमता वाली जो डीसी मशीन होती है उसकी योग फ्रेंड्स किससे बनाते हैं हम? उसकी बनाते हैं बॉडी या योग किससे बनाते हैं? कास्ट आयरन से बनाते हैं, ठीक है। कम क्षमता वाली जो डीसी मशीन की योग होती है किससे बनती है फ्रेंड्स? कास्ट आयरन से बनती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखा जाए तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स पूछ रखा है कि डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर, असंतृप्त पोल का फ्रेंड्स अगर मैं मीन्स समझना चाहूँ, असंतृप्त पोल का मतलब क्या होता है कि जिस पोल को क्या नहीं किया गया है? चार्ज नहीं किया है। मतलब मैं बात करूँ, चार्ज मतलब ये यहाँ पर एक बात हम समझ, असंतृप्त का मतलब क्या होता है? एक हम दो टर्म देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले संतृप्त क्या होती है, ठीक है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। संतृप्त में क्या होता है कि जैसे हम कोई, जैसे मैं मान बात करता हूँ किसी मैग्नेट को, एक आप लिमिट क्षमता तक क्या बना सकते हो? मैग्नेट बना सकते हो, यानी कि उसको क्या रखते हैं हम? चुंबकीय प्रभाव रखते हैं। तो उसको एक लिमिटेड टाइम तक हम क्या कर सकते हैं? चुंबक बना सकते हैं। उसके बाद में अगर हम क्या दें उसको, चुंबकीय क्षेत्र में और रखना चाहिए, यानी कि उसका चुंबकीय प्रभाव और बढ़ाने की अगर कोशिश करें तो उसमें वो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि फ्रेंड्स उसमें क्या आ जाती है? संतृप्तता यानी कि सेचुरेशन आ जाती है। फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, संतृप्तता का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे आपने चीनी और पानी का घोल लिया है, ठीक है। अब चीनी और पानी का आपने घोल लिया है तो आपने पानी के अंदर क्या, मान लो आपने एक चम्मच चीनी डाली घुल जाएगी, उसमें दो चम्मच डाली घुल जाएगी। अब आप एक गिलास पानी में क्या करोगे? एक किलो चीनी डालोगे। तो फ्रेंड्स
तो वो क्या होगी, वो चीनी क्या होगी, घुलना बंद हो जाएगी। तो वो उसकी क्या है फ्रेंड्स, सेचुरेशन स्थिति यानी कि संतृप्तता है, यानी कि इससे अगर अपन उसमें मिठास घुलना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। सेम इसमें भी चुंबक में भी ऐसा ही होता है कि उसमें चुंबकीय प्रभाव अगर एक मेन जो सिचुएशन यानी कि पीक पॉइंट से अगर हम ज़्यादा उसमें चुंबकीय मान बढ़ाना चाहे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो संतृप्तता का मतलब ये होता है। अब इसमें बोल रखा है कि असंतृप्त बॉल यानी कि वो क्या है, सेचुरेशन नहीं है, यानी कि उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आर्मेचर रिएक्शन समझाया था। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि डीसी मशीन में क्या होता है कि जो आपका आर्मेचर है क्या करता है, रोटेट करता है। तो उसको जब लोड से जुड़ाते हैं तो क्या होता है, आर्मेचर भी खुद का क्या करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो उसमें क्या लोडधार प्रभावित होती है। तो ये जो आर्मेचर है, जो मेन जो फील्ड है, उसको क्या करने लगता है, प्रभावित करने लगता है। तो उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है फ्रेंड्स चुंबकन प्रभाव, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें वी चुंबकन प्रभाव, ऑप्शन सी दे रखा है आपको क्रॉस चुंबकन प्रभाव, और ऑप्शन डी दे रखा है फ्रेंड्स अचुंबकन प्रभाव। तो फ्रेंड्स असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव क्या होता है फ्रेंड्स, क्रॉस चुंबकन प्रभाव होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा आंसर, क्रॉस चुंबकन होगा। अगर फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के हिसाब से करना चाहिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं, चुंबकन प्रभाव इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि चुंबकन प्रभाव का आर्मेचर रिएक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चुंबकन प्रभाव को भी पैदा नहीं होगा। अगर आर्मेचर रिएक्शन हो रही है तो चुंबकीय प्रभाव कम ही होगा। ठीक है, चुंबकन तो यानी कि चुंबक क्षेत्र अधिक होना, तो वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या था, वी चुंबकन में क्या था फ्रेंड्स, जो हमारे पास में जो हम बात कर जैसे फील्ड जो पोल होते हैं, फील्ड पोल क्या होता है, MNA से GNA क्या होता है, खिसक जाते हैं। ठीक है, तो वी चुंबक प्रभाव क्या होता है, जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, MNA से GNA खिसक जाता है। किसका, जो फील्ड वाइंडिंग का चुंबक क्षेत्र वो क्या होता है, MNA GNA अक्ष क्या होता है, खिसक जाता है। ठीक है, और सी ऑप्शन देते हैं क्रॉस चुंबकन। तो क्रॉस चुंबकन में क्या होता है कि आर्मेचर जो है मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करने लगता है, चुंबकित वी चुंबकित करने लग जाता है। ठीक है, और ऑप्शन डी दे रखा है इसमें अचुंबकन। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, क्रॉस चुंबकन होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द्विक परिवर्तक खंडों के बीच। द्विक परिवर्तक का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, द्विक परिवर्तक का मतलब फ्रेंड्स होता है कम्यूटेटर। ठीक है, द्विक परिवर्तक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कम्यूटेटर होता है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विक परिवर्तक बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विक परिवर्तक बोलते हैं। तो द्विक परिवर्तक खंडों के बीच में सामान्यतः कौन सा कुचालक पदार्थ उपयोग लिया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स कम्यूटेटर के बीच में कौन सा कुचालक पदार्थ बढ़ते हैं, तो उसके बारे में पूछ रखा है। तो कम्यूटेटर के बीच में हम कौन सा पदार्थ बढ़ते हैं, अचालक पदार्थ, तो वो उसका आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका मेरे हिसाब से सबको आंसर पता है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अभ्रक होगा। ठीक है, द्विक परिवर्तक खंडों के बीच हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभ्रक को ही भरते हैं। ठीक है, अभ्रक को भरा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग फ्रेंड्स क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फ्रेंड्स क्या होता है कि एक प्लेट पर आप क्या करते हैं, दूसरी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको सेल बैटरी वाला चैप्टर में बताया था। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअल में क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास में सेल वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होती है, जैसे सेल वगैरह लिया था तो उसमें क्या करते हैं कि दो छड़ों को लिया था, अब एक छड़ के ऊपर क्या करते हैं हम, दूसरी छड़ की क्या करते हैं हम, परत चढ़ाते हैं। इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कि आयरन की जो प्लेट होती है, आयरन की प्लेट पर क्या चढ़ाना, निकल की परत चढ़ाना, तो वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही उदाहरण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो प्रयुक्त जनित्र है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है उसमें प्रयुक्त जनित्र होता है, तो वो पूछ रखा है हमारे को। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयुक्त जनित्र कौन सा होता है, श्री जनित्र नहीं होगा, श्री जनित्र का यूज इसमें करते हैं जो डीसी जो पारेषण लाइन होती है उसमें श्री जनित्र का यूज करते हैं। उसके अलावा ऑप्शन सी शंट जनित्र भी नहीं होगा, क्योंकि शंट जनित्र का यूज इसमें करते हैं जो हम बैटरी चार्जिंग का कार्य करते हैं उसमें फ्रेंड्स इसका यूज करते हैं शंट जनरेटर। उसके अलावा जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का फ्रेंड्स किसमें यूज करते हैं, जो फ्रेंड्स हम डिफरेंशियल कंपाउंड, तो फ्रेंड्स डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज इसमें करते हैं
जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज किसमें किया जाता है, तो फ्रेंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज किसमें करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में हम किस जनरेटर का यूज करते हैं, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। उसके अलावा जो कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसका यूज किसमें करते हैं, जो अधिक लोड वाली जो सप्लाई चाहिए होती है, जिसमें यानी कि ज़्यादा लोड वाली जो सप्लाई चाहिए होती है उसमें कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, फ्रेंड शंट जनरेटर होगा। यहाँ पर माफी चाहूँगा, मैंने शंट शंट जनरेटर नहीं बोला, ठीक है, शंट जनरेटर इसका आंसर होगा। क्योंकि शंट जनरेटर का यूज किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जो हम बैटरी चार्जिंग का कार्य करते हैं उसमें फ्रेंड्स किसके होता है, शंट जनरेटर का होता है, ठीक है। तो सीरीज जनरेटर का यूज किसमें करते हैं, जो डीसी की पारेषण लाइन होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने में सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। और शंट जनरेटर का यूज किसमें करते हैं, बैटरी चार्जिंग के कार्य में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज किसमें करते हैं, डिफरेंस कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में। और कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग जैसे भारी लोड वाले, जैसे मैं बात करूँ कि अधिक लोड वाली सप्लाई अगर चाहिए होती है हमारे को, ठीक है, जैसे कि रेलवे स्टेशन अगर बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर कम्यूनिटी कंपाउंड जनरेटर का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, 6 पोल वाले लैंप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लैंप वाउंड जनरेटर में क्या होती है, समांतर पथों की संख्या क्या होती है। जैसे बात करता हूँ लैंप वाउंड जनरेटर में क्या होता है कि ए बराबर में पी के होता है, ठीक है, ए बराबर पी के होता है किसमें, लैंप वाउंड जनरेटर में। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लैंप वाउंड जनरेटर दे रखा है और इसमें पोल पूछे हैं, तो पोल कितने हैं इसमें, 6, तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी इसमें, 6 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी घूर्णन मशीन का हिस्सा जिसमें चालक लगे होते हैं और जो विद्युत वाहक बल प्रेरित करने में उपयोग लिए जाते हैं कहलाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी घूर्णन मशीन है जिसमें क्या लगी होगी, जिसमें वाइंडिंग लगी, कोई भी मशीन है जो घूर्णन कर रही है, ठीक है, और उसमें क्या लगी, वाइंडिंग लगी हुई, यानी कि चालक लगे हुए हैं, और जो क्या करती है कि ईएमएफ जिसमें उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाएगा, रोटर, स्टार्टर, फील्ड और आर्मेचर। तो फ्रेंड्स स्टार्टर और फील्ड तो अलग ही चीज़ है, स्टार्टर का यूज किसमें करते हैं, मोटर वगैरह को स्टार्ट करने में किसका यूज करते हैं, स्टार्टर का करते हैं, और फील्ड वाइंडिंग तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। रोटर जो होता है, रोटर क्या होता है, जो एसी मशीनें जो होती है, एसी मशीनों फ्रेंड्स हम घूमने वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, रोटर होता है। लेकिन फ्रेंड्स रोटर अगर यहाँ पर वाउंड रोटर होता है तो यहाँ पर सी होता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, आर्मेचर दे रखा है, ठीक है। तो जिसमें जो युक्ति क्या करती है, मशीन में घूर्णन करती है और जिसमें वाइंडिंग लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। और जो युक्ति जिसमें कोई चालक नहीं लगा होता लेकिन घूमती है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम रोटर बोलते हैं, ठीक है। रोटर में किसी तरह की वाइंडिंग नहीं होती और आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, यानी कि चालक स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, डीसी जनित्र में चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो डीसी जनरेटर में जो चालक में उत्पन्न नियम है फिर इससे वो किस नियम से ज्ञात कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो हम करते हैं फ्लेमिंग के नियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, उम्मीद है आपको क्वेश्चन 10 इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यही पूछ रखा है कि उत्पन्न जो ईएमएफ की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, लेंज का नियम, ओरिस्टेट का नियम, फ्लेमिंग का नियम और फैराडे का नियम। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, फ्लेमिंग का नियम। फैराडे का नियम क्यों नहीं होगा, अगर हमारे को पूछता यहाँ पर विद्युत वाहक बल की दिशा पूछी है, ठीक है, विद्युत वाहक बल की दिशा पूछी है, अगर हमारे को सिद्धांत पूछता तो सिद्धांत क्या लगता है, फैराडे का लगता है, लेकिन दिशा पूछिए, विद्युत वाहक बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के नियम से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डीसी जनित्रों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करने का उद्देश्य होता है। डीसी जनित्रों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों स्थापित करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं, स्पार्किंग को कम करने हेतु, विचुंबकन प्रभाव, मशीन की यांत्रिक क्षति कम करने के लिए और क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। तो फ्रेंड्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वी चुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या की जाती है, मशीन में स्थापित करते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों स्थापित करते हैं, तो वी चुंबकन जो इफेक्ट होता है, ठीक है, वी चुंबकन प्रभाव का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे डीसी मशीन है, ठीक है, डीसी मशीन में क्या होती है कि जो आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर क्या होता है, मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करने लगता है, कम करने लगता है, जिससे क्या होता है जो फील्ड फ्लक्स का जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसका फील्ड फ्लक्स क्या होता है, कम होने लग जाता है। तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, विचुंबकीय प्रभाव बोलते हैं।
तो इस प्रभाव को दूर करने के हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। किसी डीसी श्री जनित्र में आर्मेचर धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी डीसी श्री जनित्र में आर्मेचर धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे को, आई आर्मेचर बराबर आई एल प्लस में आई एस एच। आई ए मतलब क्या होता है यहाँ पर, आई आर्मेचर करंट, आई एल क्या होती है आई लोड करंट, आई एस एच क्या होती है आई शंट करंट। तो फ्रेंड्स ये जो सूत्र है ये किसके लिए लगता है? डीसी शंट जनरेटर के लिए लगता है। ऑप्शन बी आई आर ए बराबर आई एल अपॉन आई एस एच, तो ये तो सूत्र किसी का ही नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे को, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको देखने में जैसे लग सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि लगभग ये सूत्र देखने में एक जैसा ही, क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर में दोनों ही सूत्र एक तरीके से देखा जाए तो सही मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी आपको एक चीज़ देखनी है। ठीक है, ऑप्शन सी में वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी लेकिन ऑप्शन डी में आपको मिलेगी। ऑप्शन सी सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी में फ्रेंड्स हमारे को दे रखा है कि आई आर्मेचर करंट है, आई आर्मेचर करंट किसके करंट के बराबर है? आई लोड करंट के और आई शंट करंट के बराबर है। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन में को मैंने बता दिया कि आई आर्मेचर करंट किसके बराबर, आई लोड करंट के और आई शंट करंट के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है हमारे को, आई आर्मेचर जो करंट है, ठीक है, आई आर्मेचर जो करंट है आई सीरीज करंट के और आई लोड करंट के बराबर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या होगा, एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट क्यों होगा? ऑप्शन सी गलत क्यों होगा? क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर मैंने आपको सूत्र बताया था, आर्मेचर धारा ज्ञात करने का डीसी सीरीज जनरेटर का सूत्र क्या होता है, आई लोड बराबर में आई सीरीज बराबर में आई आर्मेचर करंट होती है। ठीक है, तो इस सूत्र में हमारे को आई आर्मेचर बराबर आई लोड और यहाँ पर हमारे को दे रखी आई शंट करंट दे रखी है, जो कि गलत होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आई सीरीज होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ऑप्शन डी हमारे पास सही होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, आई आर्मेचर करंट जो है आई सीरीज करंट के बराबर होती है और आई एल करंट के बराबर होती है। तो सीरीज जनरेटर में क्या होती है, जो आर्मेचर करंट होती है सीरीज करंट होती है और लोड करंट, ये तीनों क्या होती है बराबर होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये क्या है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल फ्रेंड्स मैंने आपको करवाया भी था, ये न्यूमेरिकल इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल देखकर न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख ले सबसे पहले, किसी डीसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टता 40 वोल्ट तथा शंट फील्ड प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे को दे रखा है VT। ठीक है, यहाँ पर हमारे को न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले मैंने आपको बता रखा है तरीका, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना, सबसे पहले हमारे को क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है कि क्या क्या चीज़ हमारे को न्यूमेरिकल में दे रखी है, उसी के बाद हमारा क्या होगा न्यूमेरिकल सोल्व होगा। ठीक है, तो हमारे को VT यानी कि टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है 40 वोल्ट। क्या दे रखा है हमारे को, टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है, कितने रखा है 40 वोल्ट। क्या दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है, यानी कि VT क्या है 40 वोल्ट है। अच्छा, उसके बाद शंट फील्ड का जो प्रतिरोध है यानी कि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध दे रखा है, कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है। ठीक है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना देगा 10 ओम दे रखा है। तो हमारे को क्या पूछिए, इसमें जनित्र की शंट धारा क्या होगी, यहाँ पर फ्रेंड्स जनरेटर कौन सा है, डीसी शंट जनरेटर है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है हमारे को, आर्मेचर धारा दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 एम्पियर दे रखी है। यहाँ पर आई आर्मेचर जो करंट है, ठीक है, आई आर्मेचर जो करंट है वो कितनी दे रखी है 12 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं डीसी शंट जनरेटर में अगर आर्मेचर धारा का अगर सूत्र लिखूं तो हमारे पास ये सूत्र होता है, आई आर्मेचर करंट जो होती है, ठीक है, आई आर्मेचर जो करंट होती है वो आई लोड करंट के, ठीक है, और आई शंट करंट के, यानी कि आई आर्मेचर करंट किसके बराबर होती है आई एल यानी कि आई लोड करंट और आई शंट करंट दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है क्या क्या दे रखी है वैल्यू, अब ये हम चीज़ देखेंगे। हमारे पास सूत्र क्या है, आई आर्मेचर आई लोड प्लस आई शंट करंट, यही सूत्र है, इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हमारे को क्या क्या चीज़ दे रखी है वो हम चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है और शंट फील्ड प्रतिरोध दे रखा है। तो टर्मिनल वोल्टेज और शंट फील्ड प्रतिरोध से हमारे पास क्या आ जाएगी, आई लोड करंट आ जाएगी।
अगर आई लोड करंट और आई आर्मेचर करंट तो हमारे को दे ही रखा है। हमारे को आई लोड करंट कैसे निकलेगी, आई लोड करंट कैसे निकलेगी, जैसे हमारे को पता है कि आई करंट कैसे निकालते हैं ओम के नियम से, आई बराबर वी अपॉन में आर, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो हमारे को आई लोड करंट निकालना, तो आई लोड करंट है ये, ठीक है। ये वी क्या है, वी टी, यानी कि ये क्या है टर्मिनल वोल्टेज, कितने रखा है 40 वोल्ट, और आर ये क्या है एस एच, ठीक है, यहाँ पर आर एस एच मान सकता हूँ मैं, यानी कि क्या है संट फील्ड का प्रतिरोध, यानी कि संट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या दे रखा है आर एस एच मानते, ठीक है। तो यहाँ पर आई लोड करंट कैसे निकलेगी, वी टी अपॉन में आर एस एच से निकलेगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं कैसे निकलेगी, तो वो हम देख लेते हैं कि 40/10, ठीक है, 40/10, तो ये कितनी होगी 4 एम्पियर हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये आएगी हमारे पास में आई लोड करंट आएगी, ठीक है। आई लोड करंट कितनी आएगी हमारे पास 4 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो हमारे को निकालनी क्या है इसमें, आई एस एच करंट निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी, आई एस एच करंट निकालनी है। तो फ्रेंड्स आई एस एच करंट जो होती है, आई एस एच करंट कैसे निकलेगी, आई आर्मेचर करंट और आई लोड करंट में से घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आई एस एच करंट आ जाएगी। तो हमारे पास में आई आर्मेचर करंट कितनी दे रखी, आई आर्मेचर करंट हमने हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कितनी 12 एम्पियर दे रखी है हमारे को, ठीक है, आई आर्मेचर द्वारा कितनी रखी 12 एम्पियर, ठीक है। और आई लोड करंट हमने कितनी निकाली है 4 एम्पियर निकाली है, तो हमारे पास में आई शंट करंट कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 8 एम्पियर आएगी, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन इजी है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को टर्मिनल वोल्टेज दे रखा था, यानी कि वो वी टी था, ठीक है, और संट फील्ड प्रतिरोध यानी कि वो क्या था आर एस एच, यानी कि संट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध था, वो कितनी दे रखा 10 ओम दे रखा था। तो हमारे को जनरेटर की संट धारा पूछी थी, तो संट धारा कैसे निकलती, ये सूत्र हमारे पास ये होते हैं आई आर्मेचर प्लस आई लोड प्लस में आई संट, तो हमारे को आई संट धारा निकालनी है। तो आई संट धारा निकालने के लिए हमारे क्या कैसे निकलेगी, आई आर्मेचर में से आई लोड करंट क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी, ठीक है, आई आर्मेचर में से क्या निकल जाएगी आई लोड करंट क्या हो जाएगी घट जाएगी, ठीक है। तो आई लोड करंट सबसे पहले हमारे को निकालना पड़ेगा, तो आई लोड करंट कैसे निकलेगी, तो फ्रेंड्स आई करंट कैसे निकलेगी, आई जो करंट है, ठीक है, आई करंट मैंने बता दीजिए कैसे निकलेगी, आई करंट कैसे निकलेगी, आई बराबर में वी टी बटे में आर एस एस से निकलेगी, ठीक है। वी टी क्या टर्मिनल वोल्टेज है 40 वोल्ट है, ठीक है, बटे में और संट फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध कितना 10 दे रखा है, तो कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो हमारे को आर्मेचर धारा दे रखी है 12 एम्पियर, और ये क्या निकली हमारे पास में लोड धारा निकल रही है, तो आई संट करंट निकल जाएगी, ठीक है। आई संट कैसे निकलेगी करंट, आई आर्मेचर माइनस आई लोड करंट, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये मैं सूत्र बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में, आई आर्मेचर बराबर में आई लोड प्लस में आई संट से, ठीक है। इसको जब हमने क्या किया, इसको पक्षांतरण किया, तब हमारे पास क्या आएगा आई संट निकलेगी, तो आई संट कैसे निकलेगी, आई लोड माइनस आई आर्मेचर या फिर आई आर्मेचर माइनस आई लोड, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो लेस कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 एम्पियर आएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में हो, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको निम्न का समझ में नहीं है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के जो हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं क्वेश्चन में, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डीसी जनित्र जो होता है, एक डीसी जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ओरेस्टेड के, ओम के नियम के, फैराडे के नियम के, या लेंज के नियम। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो स्टार्टिंग बताया था कि डीसी जनरेटर फैराडे के नियम पर कार्य करता है, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या करता है डीसी जनरेटर काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिक् परिवर्तक को कहते हैं, दिक् परिवर्तक को क्या कहते हैं, चुंबकीय परिवर्तक, विद्युतीय परिवर्तक, यांत्रिक परिवर्तक, या परिवर्तनशील। तो फ्रेंड्स दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम मैकेनिकल कन्वर्टर बोलते हैं। इसको यांत्रिक परिवर्तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आर्मेचर में जो पैदा होती है एसी करंट, हमेशा मेरे को ध्यान रखना है कि आर्मेचर में कौन सी करंट पैदा होती है, एसी करंट पैदा होती है, ठीक है। जो दिक् परिवर्तक है यानी कि कम्यूटर जो है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है।
कम्यूटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बोलते हैं इसको दिक परिवर्तक को यांत्रिक परिवर्तक भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आर्क वेल्डिंग कार्य के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त रहता है, डीसी श्रेणी जनरेटर, मिश्रित जनरेटर, शंट जनरेटर या डिफरेंशियल कंपाउंड। तो मैंने फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड जो उपयोग है, उपयोग से रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी बताया था, उसमें भी मैंने आपको शंट जनरेटर और मिश्रित जनरेटर के मैंने आपको उपयोग बताया था, ठीक है। तो श्रेणी जनरेटर इसका ऑप्शन गलत होगा, मिश्रित जनरेटर खाली, इसमें कंपाउंड जनरेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें अच्छे से बता नहीं रखा कि कौन सा कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है, यानी कि मिश्रित जनरेटर, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है हमारे को शंट जनरेटर आर्क वेल्डिंग कार्य के लिए शंट जनरेटर का यूज नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आर्क वेल्डिंग के लिए हमारे क्या चाहिए होती है, एक जब हम आर्क वेल्डिंग का कार्य करते हैं तो हमारे को एक बार हमारे को क्या चाहिए होती है, हाई वोल्टेज चाहिए होती है, यानी कि एक बार हमारे को 120 वोल्टेज के आसपास चाहिए होता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग जब फ्रेंड्स हम करते हैं तो 120 वोल्टेज के आसपास ही होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, ज़्यादा लोड जोड़ते तब क्या होता है, उसका अचानक क्या होता है, जनरेटर का क्या होता है, लोड गिर जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की किस्म होती है। तो आर्क वेल्डिंग जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड, तो आर्क वेल्डिंग कार्य के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या रहता है, उपयुक्त होता है। क्यों रहता है, क्योंकि आर्क जब इसमें उत्पन्न होती है तो इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम किसके लिए प्रयोग होता है। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम किसके लिए प्रयोग होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीसी जनित्र में वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। तो डीसी जनित्र में वोल्टेज कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्लक्स घनत्व को कम करके, घूर्णन गति को बढ़ा के, घूर्णन गति कम करके, या फिर आर्मेचर लंबाई को कम करके। डीसी जनरेटर वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्लक्स घनत्व कम करके, घूर्णन गति को बढ़ा के, घूर्णन गति कम करके, या आर्मेचर की लंबाई को बढ़ा के। तो फ्रेंड डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है, ठीक है, डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ होता है वो फ्रेंड्स किसके समानुपाती होता है, घूर्णन गति के समानुपाती होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ होता है वो घूर्णन गति क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। तो हम फ्रेंड्स घूर्णन गति को बढ़ा कर क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। डीसी जनरेटर में घूर्णन गति को बढ़ाकर, यानी घूर्णन गति किसकी बढ़ाकर, आर्मेचर की घूर्णन गति को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन ऐसे समझ में आओगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।